नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं एस्ट्रोलॉजर माधव शर्मा खुश जीवन राशिफल के यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भाग्यांक की इस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ भाग्यांक की संख्या 9 को लेकर, यानी जिनका की भाग्यांक की संख्या 9 है उनके जीवन के स्वभाव, उनके गुण, उनके सकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्ष, उनसे उनका करियर, साथ के साथ कौन कौन से दिन शुभ रहने वाले हैं, शुभ वार और शुभ माह। साथ के साथ इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे अपने उन्नतिकारक वर्षों को लेकर और भाग्योदय के वर्ष को लेकर। कौन सा ग्रह जो है वो आपके नंबर के साथ जुड़ा हुआ है और कौन से इस नंबर के आपके स्वामी देवता हैं, आइए शुरुआत करते हैं। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, इन समय की घटनाओं को ज्ञात करने के लिए हम लोग ज्योतिष शास्त्र का सहारा लेते हैं। ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से हम इन सभी घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ज्योतिष विज्ञान के कई ऐसे सारे भाग हैं जिनके कारण हम ज्ञात कर सकते हैं कि हमारे जीवन में क्या घटित होने वाला है। जन्म कुंडली, हस्तरेखा विज्ञान, फेस रीडिंग, अंक ज्योतिष। तो आइए आज हम बात करते हैं भाग्यांक की संख्या 9 को लेकर। इससे पहले अगर आपने हमारा वीडियो शेयर नहीं किया है तो आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे खुश जीवन राशिफल के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, हमारे खुश जीवन राशिफल की एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें और देखते रहें डेली पंचांग, डेली राशिफल, मंथली राशिफल, ईयरली राशिफल और ईष्ट भगवान से संबंधित सभी जानकारी। आइए अब हम बात करते हैं कि हम भाग्यांक कैसे निकालते हैं। देखिए, भाग्यांक के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ यानी आपकी जो जन्म तारीख है, जन्म माह और जन्म ईयर हमें ज्ञात होना चाहिए। इन तीनों की सहायता से हम अपने भाग्यांक को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगर किसी की जन्म तारीख 1 अक्टूबर 1987 है तो आप उसको एक यानी एक जन्म की तारीख 1 तारीख, अक्टूबर माह 10वां माह, तो 1+1+0+1+9+8+7, इस तरीके से जो भी हमारे पास में इसका एडिशन आ रहा है अगर वो दो डिजिट में है तो हम उन दोनों को भी प्लस करेंगे और हमारा जो भाग्यांक है वो 9 प्राप्त होगा। आइए अब हम बात करते हैं जिनका की भाग्यांक 9 है उनकी विशेषताओं के बारे में। देखिए, भाग्यांक 9 जिसे कि एक पूर्ण संख्या भी कहा गया है, इन व्यक्तियों का संबंध कहीं ना कहीं मंगल ग्रह से होता है, मंगल ग्रह से जुड़ा होता है, क्योंकि जो मूलांक 9 को जो रिप्रेजेंट करते हैं प्लैनेट, दैट इज मंगल यानी मार्स। ऐसे व्यक्ति का जीवन एक रहस्य माना गया है। इनकी लीडरशिप एक इनकी बहुत अच्छी खूबी मानी गई है। ऐसे व्यक्ति अगर एक सिंपल फैमिली के अंदर भी अगर जन्म लेते हैं तो वे बहुत ऊंचे पद को प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के अंदर साहस भरपूर मात्रा में होता है क्योंकि मंगल का संबंध कहीं ना कहीं साहस से जुड़ा हुआ है। मंगल 6th हाउस का ज्योतिष के अंदर कारकत्व रखते हैं, कहीं ना कहीं पुलिस, सेना का को भी कहीं ना कहीं मंगल से जोड़कर देखा गया है। तो ऐसे व्यक्ति जिनका की भाग्यांक की संख्या 9 है वे कहीं ना कहीं पुलिस, स्पोर्ट्स, सेना के अंदर कहीं ना कहीं इनकी जो करियर है वो देखा गया है। ऐसे व्यक्तियों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है क्योंकि कहीं ना कहीं अग्नि तत्व ग्रह है, तो कहीं ना कहीं गुस्से को लेकर ऐसे जातक बहुत जल्दी गुस्सा कर देते हैं, देखते भी नहीं है कि किसी बात को लेकर या कब इन्हें गुस्सा करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों के अकॉर्डिंग अगर वर्क नहीं होता तो यह लोग आग बबूले हो जाते हैं। ये लोग मान सम्मान और मर्यादा को ध्यान में रखकर अपना वर्क कंप्लीट करते हैं। बात करें जिनका की भाग्यांक संख्या 9 है, लीडरशिप स्किल के कारण जीवन के अंदर ऊंचा पद प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति दिए गए समय पर अपने कार्य को पूरा करने की कोशिश करते हैं। मेहनत और लगन ऐसे व्यक्तियों के अंदर देखी गई है। जीवन में आने वाली किसी भी परेशानी से ये लोग डटकर मुकाबला करते हैं क्योंकि मंगल का कहीं ना कहीं साहस, पराक्रम और मेहनत से संबंध माना गया है। तो जो भी भाग्यांक 9 से जुड़े होते हैं, डेस्टिनी नंबर जिनका 9 है, लाइफ पाथ नंबर 9 है, उनके लिए मंगल ग्रह बहुत ज्यादा भूमिका निभाते हैं। आइए अब हम बात करते हैं
भाग्यांक संख्या 9 वाले जो व्यक्ति हैं उनके नकारात्मक पक्ष को लेकर। देखिए, क्रोध बहुत जल्दी आता है जिनका कि भाग्यांक संख्या 9 है। आवेग में आकर किसी भी कार्य को या बनते हुए कार्य को ये लोग कभी कभी बिगाड़ भी लेते हैं। ये लोग स्वतंत्र विचार वाले होते हैं, अपने कार्य को अपने तरीके से ही करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण कई बार ये परेशानी में भी आ जाते हैं। बात करते हैं एजुकेशन को लेकर। देखिए, अगर हम भाग्यांक की संख्या 9 की बात करें तो एजुकेशन, क्योंकि भाग्यांक की संख्या 9 जो है पूर्ण अंक माना गया है, तो एजुकेशन के हिसाब से ऐसे जातक अपनी पूर्ण शिक्षा प्राप्त करते हैं, साथ के साथ कहीं ना कहीं रिसर्च या ज्योतिष से जुड़े हुए जातक भी भाग्यांक 9 वाले जो जातक हैं वो देखे गए। आइए अब हम बात करते हैं उनके शुभ दिन को लेकर। शुभ दिन यानी जिनका की भाग्यांक संख्या 9 है उनके लिए शुभ दिन रहेंगे मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार। इन वारों के अंदर, इन समय में अगर ये अपना शुभ कार्य करते हैं, आरंभ करते हैं, तो सफलता अधिक मिल सकती है। बात करें हम शुभ माह को लेकर कि कौन से माह इनके लिए शुभ रहेंगे, तो इनके लिए जून माह और सितंबर माह जो है इनके लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। शुभ तारीख की बात करें कि कौन कौन सी तारीख इनके लिए महत्वपूर्ण है, शुभ है, तो इनके लिए शुभ तारीख है तारीख संख्या 9, 18 और 27। ये 3 तारीखें इनके लिए बहुत शुभ हैं। ये 3 अंक भी इनके लिए बहुत शुभ है। शुभ कलर को लेकर बात करें तो रेड कलर और ऑरेंज कलर भाग्यांक संख्या 9 वालों के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। कॉम्पैक्टिबिलिटी की बात करें कि किन नंबर्स के साथ में भाग्यांक 9 वाले व्यक्तियों की कॉम्पैक्टिबिलिटी अधिक हो सकती है, तो अगर ये लाइफ पार्टनर को लेकर बात करें तो अगर लाइफ पार्टनर इनका अंक संख्या 3 को लेकर और 7 को लेकर है तो कॉम्पैक्टिबिलिटी अच्छी बन सकती है। भाग्योदय वर्ष, क्योंकि अत्यंत महत्वपूर्ण चीज है, अगर हम बात करें कि किस वर्ष भाग्योदय होगा, तो जिनका की भाग्यांक संख्या 9 है उनके लिए भाग्योदय वर्ष जो है वो 27वां वर्ष है। जीवन का 27वां वर्ष इनके लिए भाग्योदय वर्ष कहा गया है। 28वें वर्ष में भी इन्हें उन्नति प्राप्त होती है। उन्नति कारक वर्षों को लेकर हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से वर्ष ऐसे रहेंगे जो इनके पूरे जीवन के अंदर इन्हें उन्नति प्रदान करने वाले हैं। तो इनके उन्नति कारक वर्ष हैं 18वां वर्ष, 27वां वर्ष, 36वां वर्ष, 45वां वर्ष, 54वां वर्ष, 63वां वर्ष और 72वें वर्ष। ये सभी वर्ष जीवन में कुछ ना कुछ उन्नति, कुछ नया और जीवन में सक्सेस लेकर आते हैं। आइए अब हम बात करें शुभ रत्न को लेकर कि कौन कौन से रत्न इनके लिए शुभ हैं। तो इनके लिए मूंगा जो है वो अत्यंत शुभ माना गया है। स्वामी ग्रह, जैसा कि मैंने कहा मंगल ग्रह भाग्यांक संख्या 9 वालों को रिप्रेजेंट करता है, जिनका की भाग्यांक संख्या 9 है, ऐसे जातकों में मंगल से जुड़े हुए कारकत्व या मंगल से रिलेटेड कारकत्व अधिक पाए गए हैं। आइए बात कर लेते हैं दान पदार्थ की कि ऐसे जातक जिनका की भाग्यांक संख्या 9 है उन्हें कौन कौन से पदार्थ दान करने चाहिए। तो ऐसे जातक स्वर्ण दान कर सकते हैं, गेहूं दान कर सकते हैं, चंदन दान कर सकते हैं, लाल वस्त्र, गुड़ और घी, इनका दान ये व्यक्ति कर सकते हैं। बात करें स्वामी देवता की कि ऐसे व्यक्तियों के स्वामी देव कौन है, तो हनुमान जी भगवान इनके स्वामी देव हैं जिनका भी भाग्यांक संख्या 9 है। जीवन के अंदर कोई भी परेशानी आती है, कोई भी कार्य अगर इनका नहीं बन रहा है, तो ये हनुमान जी की पूजा अवश्य करें और अपने कार्य को मंगलवार से शुरुआत करें। आइए बात करें कि किन किन क्षेत्रों में ऐसे जातक अपना करियर बना सकते हैं। देखिए, करियर को लेकर अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं मंगल से जुड़े हुए कारकत्व इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर अब हम बात करें मंगल किन किन का कारकत्व रखता है, तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक सेवा, टेक्निकल एजुकेशन, कहीं ना कहीं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए जातक काफ़ी देखे गए हैं। आर्किटेक्ट भी भाग्यांक संख्या 9 को लेकर देखे गए हैं। स्पोर्ट्स में पुलिस, आर्मी, फोटोग्राफी, डॉक्टर स्पेशली सर्जन। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी इनका बिजनेस या इनका करियर देखा जाता है। तो ये था भाग्यांक संख्या 9 को लेकर इनकी संपूर्ण जानकारी। धन्यवाद।